Hello everyone, welcome back to my YouTube channels and my institute Gurukul classes, changing the way of learning. I am Chandan Kumar, once again welcome to you. तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं गुरुकुल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन की, जो बहुत नजदीक आ गई है। तो जैसा कि हमने बताया था कि 20 नवंबर को गुरुकुल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन GTSE एग्जाम का आयोजन होने जा रही है, यानी प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी 20 नवंबर को GTSE एग्जाम होगी। और GTSE एग्जाम का पैटर्न हम लोग समझ लेते हैं इस वीडियो में कि GTSE एग्जाम का पैटर्न किस पर आधारित है। तो हम लोग समझेंगे GTSE एग्जाम ओनली फॉर मैथ्स के लिए ली जाएगी, यानी मैथ और इंग्लिश दोनों की पढ़ाई होती है, लेकिन ओनली फॉर मैथ्स की GTSE एग्जाम होगी। यानी मैथ्स बोले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 क्वेश्चन क्या होगा ऑब्जेक्टिव। टाइमिंग आपके पास रहेगा 2 आवर्स का, 2 घंटा, 30 क्वेश्चन और साथ ही साथ निगेटिव मार्किंग रहेगा। तो जो बच्चे इच्छुक होंगे GTSE एग्जाम देने में, वह आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चालू हो गई है और 1 नवंबर से डेमो बैच भी स्टार्ट होगी। जो बच्चों को लगे कि हमें GTSE एग्जाम देनी है और डेमो बैच करनी है, तो आकर के रजिस्ट्रेशन और डेमो बैच कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। लेकिन आप लोग को दिख रहा होगा बैनर या पंपलेट पे लिखा होगा रजिस्ट्रेशन फी ओनली 5 रुपीज, तो उस 5 रुपीज को खत्म कर दिया गया है, यानी उसका कोई शुल्क नहीं है, यानी रजिस्ट्रेशन चार्ज का कोई शुल्क नहीं है। नो चार्ज, नो एनी फी ऑफ GTSE एग्जाम्स, एंड GTSE एग्जाम का कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो जो बच्चे इच्छुक हैं तो आकर के हमसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ ही साथ जान लें GTSE एग्जाम कहाँ कहाँ होगी। तो GTSE एग्जाम 2 स्थानों पर होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल पालीगंज बिंदा मार्केट बाबरिंग रोड। टाइमिंग रहेगा 8 बजे से लेके 10 बजे तक, 2 घंटा का टाइमिंग रहेगा। उसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, वो भी जिस क्लास के विद्यार्थी होंगे उस क्लास से ही रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। सपोज दैट मान लीजिए हम लोग 8 क्लास से रिलेटेड है, तो 8 क्लास के ही 30 क्वेश्चन रहेंगे, ना कि 9th क्लास के उसमें इंक्लूड होंगे। तो जिस क्लास के विद्यार्थी रहेंगे उसी क्लास के क्वेश्चन भी इंक्लूड रहेंगे, और सारा का सारा बेस्ट ऑन रहेगा एनसीईआरटी बुक्स, यानी एनसीईआरटी किताब के आधार पर ही GTSE एग्जाम लिया जाएगा। यानी जो बोर्ड पूछता है उसी टाइप का क्वेश्चन GTSE एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बोर्ड जो पूछता है उसी आधार में पूछा जा रहा है, तो हमें 30 में 30 लाना होगा। जो विद्यार्थी 30 में 30 लाता है उसके लिए एक निश्चित उपहार दिया जाएगा, और साथ ही साथ कुछ उसको इनाम भी दिया जाएगा 30 में 30 अंक लाने वाले को। और साथ ही साथ बताते चलूं, जो GTSE एग्जाम होने जा रही है इस बार निगेटिव मार्किंग है। अगर आपका 1 सही होता है और 1 गलत हो जाता है, तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, यानी आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आपने 30 क्वेश्चन बनाया है, 30 क्वेश्चन में आप 15 क्वेश्चन आपका सही है और 15 क्वेश्चन आपका गलत हो गया, तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। तो कृपया आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान देकर इसको फिलअप कीजिएगा और बनाइएगा कि एक भी निगेटिव मार्किंग नहीं जाए। पिछले बार से थोड़ा सा इस बार बदलाव किए हैं कि इसमें निगेटिव मार्किंग का ऑप्शन लेकर के आए हैं। तो जो विद्यार्थी को लगे कि हमें 30 में 30 हासिल करना है, तो वह अभी से 1 महीना का टाइमिंग है, वह एनसीईआरटी बुक को अच्छे से समझ ले, अच्छे से परख ले, और 20 नवंबर को GTSE एग्जाम देने आ जाए अपने गुरुकुल क्लासेज पालीगंज और चंडहोस में। और चंडहोस का टाइमिंग रहेगी 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, जिसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 क्वेश्चन साथ ही साथ निगेटिव मार्क्स निगेटिव रहेगी, और सारा का सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा। और आपको सोचने की बात नहीं कैसे फिलअप करेंगे, आपको OMR पेपर दिया जाएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी उसपे सिर्फ आपको रंगना है। अप्रॉक्स 2 घंटा का टाइमिंग है, 30 क्वेश्चन है, बहुत इजिली सॉल्व हो जाएगा। आई होप आप सभी अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा और एग्जाम किस तरह से लिया जाएगा। तो अब सबसे बड़े पॉइंट की बात हम लोग करते हैं, सबसे बड़ी मुद्दा इसमें क्या है। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे तभी आपका सीट सुनिश्चित होगा कि आप एग्जाम में बैठ सकते हैं, अन्यथा
उस दिन थोड़ा सा लेट भी हो सकता है, 20 तारीख को अगर आइएगा कहिएगा सर एग्जाम आज देना है, अगर शायद हो सकता है देर भी हो जाए तो, लेकिन 20 तारीख से पहले रजिस्ट्रेशन करा ले ताकि आपका सीट सुनिश्चित रहे और आप भली भांति आकर के एग्जाम दे करके जा सके। और इसका रिजल्ट की घोषणा 2 दिन के बाद ही होगी, यानी हम लोग 20 तारीख को एग्जाम ले रहे हैं तो 21-22 दो दिन डिले और 23 को इसका रिजल्ट भी आप लोग के पास पहुंच जाएगा। इस नोटिफिकेशन को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि यह नोटिफिकेशन हर एक बच्चों के पास पहुंच जाए और हर एक बच्चा जीटीएसई एग्जाम दे करके देखे कि जीटीएसई एग्जाम आखिर है क्या, पिछले बार से क्या जीटीएसई एग्जाम में कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है। तो जी हाँ, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट हुई है। इसमें 1A4 इस बार मैथ की क्वेश्चन है और साथ ही साथ इसमें निगेटिव मार्किंग लाया गया है और टाइमिंग का थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया गया है कि बच्चे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइमिंग लेकर के बना सके। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 300 सोचने पर मजबूर कर दिया कि हाँ इस बार जीटीएसई एग्जाम में कैसा लगा मुझे देने में। तो अपना अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा, जीटीएसई एग्जाम देने के बाद फीडबैक जरूर दीजिएगा, सर जीटीएसई एग्जाम कैसा लगा, तो हमारे कमेंट बॉक्स में भी सेशन कर सकते हैं एग्जाम देने के बाद आकर के कि हाँ सर जीटीएसई एग्जाम पिछले बार से कहीं बेहतर हुआ या उससे खराब भी हुआ हो तो उसमें कमेंट में लिखिएगा कि सर पिछले बार से थोड़ा सा अरेंजमेंट भी खराब है, व्यवस्था भी खराब है और एग्जाम भी प्रॉपर ढंग से नहीं हुआ, तो दोनों बात को आप लोग बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज, आई होप आप सभी इस वीडियोज को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज में इसी तरह नोटिफिकेशन और यूनिक वीडियोज के साथ। तब तक देखते रहिए गुरुकुल क्लासेज की सारी वीडियोज़।